Hi, my name is Avinash Dhani and my character name is Vikram. I'm playing Vikram. He's an IB agent. तो किस तरह का agent है क्या है तो आप? He's a suspended IB agent और वो suspend है और उसके बाद उसकी एक sister है जो trap है किसी जगह पे किसी location पे and उसकी जो wife है वो plan करती है उसको मिसूरी लेके जाने का एंड दे फिर वो निकलता है वहाँ से और How was the experience working with the unit? आपकी फर्स्ट फिल्म में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा रोल था? कितने चैलेंजेस थे? किस तरीके से आपने परफॉर्म किया? जैसा मुझे कैरेक्टर चाहिए था, चैलेंजिंग, उसमें थोड़ा एक्शन भी हो और थोड़ा ड्रामा हो, एक सेंसिबिलिटी हो, वो सब था इसमें फिल्म में और काफ़ी मज़ा आया मुझे। लोकेशन काफ़ी अच्छी थी और क्या कहते हैं, बहुत ठंड में हमने शूट किया। अराउंड हिल में -10 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे और हम लगातार शूट कर रहे थे। बहुत मज़ा आया। ऑडियो लॉन्च है आज, फिल्म के गाने बहुत प्रेस कर किए जा रहे हैं। आप फिर भी गाना शूट हुआ है शॉर्ट, तो कुछ बताइए बिफोर वी कम। गाने बहुत सुंदर हैं सारे, बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग्स हैं सारे के सारे और मेरा पर्सनल फेवरेट है वक्त गया था, वो काफ़ी मीनिंगफुल सॉन्ग है, तो गाना काफ़ी अच्छा है। No, none of us is playing the title role. You'll have to watch the movie for that. Yeah, it's a suspense thriller movie, obviously. Yeah. So, best you have to wait. You know, 29th Aria. So I'm playing Manav. Amrita, Vikram. उन्होंने क्या किया है जो करने? He is Vikram, I am Amrita, and there is this Manav guy who is not here right now. So आप उनकी chemistry के बारे में थोड़ा बताइए. How easy or difficult it was to portray? Actually, no, it was a little difficult for me because it was the first movie, obviously. But here Avinash made it very easy for me. वो मुझे coaching देते थे. He used to help me on sets. So, हाँ, it was easier in a way, and my father was also there. So I was always, you know, comforted कि हो जाएगा, and I felt very nice with the movie. It was mixed. It was awesome as well as weird because sometimes it got weird. My father was directing, वो behind the camera वो थे. तो हाँ, कभी-कभी थोड़ा सा awkward हो जाता था, but then again he was really very supportive. तो it was altogether very beautiful experience. उम्मीदें तो बहुत है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं और हम दोनों की पहली फिल्म है। Yes. और हमारे डायरेक्टर ने बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, बहुत ही अलग तरह की स्टोरी है और बहुत ही उन्होंने अपनी मेहनत दी है इस फिल्म में और वो सोते नहीं थे पूरी शूटिंग में। मैंने इस थ्रूआउट 65 डेज़ हमने शूट किया तो मैंने उन्हें सोते हुए नहीं देखा। हम क्योंकि ठंड में काफ़ी शूट कर रहे थे और उठने का मन नहीं करता था हम लोग का, पर हम सुबह उठते थे देखते थे कि हमारे डायरेक्टर साहब वो लॉन में टहल रहे हैं और है ना, तो वो बहुत ही पैशनेट हैं, उनके पैशन से हमें बहुत पैशन मिला है, तो अच्छी फिल्म। थैंक यू सो मच। फ्रेडरिक तो कौन है वो बता नहीं पाऊँगा डेफिनेटली, और फ्रेडरिक एक ऐसा कह सकते हैं विलन है या हीरो है, ये तो देखेगा पता चलेगा। तो दोनों शेड में फ्रेडरिक है इस फिल्म में और एक अजीब सा कैरेक्टर बना है ये फ्रेडरिक। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक ऐसा विलन या हीरो मैंने कभी नहीं देखा, या अजीब सा कैरेक्टर है ये फ्रेडरिक। और मैडम हाँ, ये देखिए मसूरी में शूट किया हमने। लोकेशन हमारा केदारनाथ रहा, केदारनाथ के पास की पहाड़ियाँ हैं जहाँ चोपता जगह है और हमने बहुत ही ऐसे लोकेशन चुने हैं जो फिल्मों में कम आते हैं या नहीं ही आए होंगे, ऐसा शायद मुझे लगता है। और आउटडोर हमारा एकदम ऐसा लगेगा कि हम शायद फ्रेश सा फील होगा। और इस फिल्म की खास बात ये है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक सीन वाइज भी ये फिल्म 100% न्यू फिल्म है। मतलब मैंने कोई सीन में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कभी ऐसा लगता था कि शायद ये सीन किसी फिल्म से मिलता जुलता निकल आया तो मैं रीशूट कर लेता था। तो मैं आपको इतने एक गारंटी देता हूँ कि इस फिल्म के बारे में कि आपको इसके डायलॉग्स नए दिखाई देंगे, अनसुने डायलॉग्स होंगे, अनसुना लोकेशंस होगा, स्टोरी कभी ऐसी नहीं आई और एक्ट सबने बहुत बेहतर किया। नॉर्मल फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में होते हैं हीरो हीरोइन एंड विलन, लोकेशन, सॉन्ग एंड स्टोरी, डायलॉग्स, इस सब में 100% काम किया गया है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। जैसे हमारे अभी गाने हैं फिल्म के, सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी हम जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, इस सॉन्ग्स में 1.5 साल लगे हमें बनाने में, ऐसे ही गाने नहीं बने। हर सॉन्ग में ऐसे बैठा गया कि महीने 2 महीने हम बिल्कुल उस पर वर्कआउट करते गए, लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ। और आज आपके सामने गाने आप देखेंगे, सॉन्ग्स आएंगे, जो भी आपको पता चलेगा कि सॉन्ग्स के साथ साथ वो विजुअल्स क्या है जो हमने, तो ये अपने आप में लोग अगर जानना चाहेंगे कि अब ट्रेलर आएगा, ट्रेलर भी आप देखेंगे तो वो अपने आप बयान कर देंगे कि भाई ये क्या है, आगे क्या होने वाला है। हाँ, देखिए ये फिल्म की जो स्टोरी है, ये मेरा कहना है कि इतना पेस है इस फिल्म में, इतना पेस है कि सिर्फ ब्रीदिंग जो स्पेस होगा वो सिर्फ सॉन्ग्स आएंगे तब होगा। बाकी फिल्म में आपको 1 मिनट भी ठहरने की जगह नहीं होगी, आपको देखना होगा, नजरें नहीं हटेगी फिल्म से, ये मेरी प्रॉमिस है। ये डेफिनेटली हमें सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर बनाने में हर समय सोचना होता है कि एक पकड़ बनी रहनी चाहिए। हमारे सारे कैरेक्टर एक सस्पिशियस है, वो सस्पेंस हमने ऐसे क्रिएट किया इस फिल्म में जो मैं कहूँगा कि 10-15 मिनट के दौरान एक सस्पेंस ओपन होते जाता है, अनफोल्ड होते जाता है। नॉर्मल फिल्मों में क्या होता है, आखिर में सस्पेंस क्लियर होता है, सस्पेंस क्रिएट हुआ, 10 मिनट में सस्पेंस ओपन हुआ कि भाई बंदा कौन था, भाई आगे की, फिर दूसरा सस्पेंस खुलता है, भाई ये था, फिर आगे घटनाएं बढ़ती जाती है और फाइनली जब सस्पेंस ओपन होता है तो फिल्म का क्लाइमैक्स 1/2 आवर का है, बहुत लॉन्गेस्ट क्लाइमैक्स होगा। बट यस, प्रशांत ने बेहतरीन रोल किया, वन ऑफ द बेस्ट रोल प्रशांत ने जो रोल किया है, और आप उसे देखेंगी तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी इमेजिन करता हूँ कि ये रोल की जगह कौन हो सकता था इंडस्ट्री में, बट आई एम सॉरी, प्रशांत के सिवा कोई नहीं हो सकता। प्रशांत का एक जो कैरेक्टर आप सब जानते होंगे कैसा है, तो प्रशांत ने इस फिल्म में जो किया है, मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा उस रोल को प्ले कर सके, बहुत बेहतरीन एक्ट किया। 29 अप्रैल मेरा इस फिल्म में कैरेक्टर का नाम है मानव, और आप में भी फ्रेडरिक है, मुझमें भी फ्रेडरिक है, सब में भी फ्रेडरिक है। तो आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली फ्रेडरिक कौन है और वो क्या है। तो जब भी मेरी तारीफ होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो शायद इसलिए मैं हर फिल्म में उतने दिल से काम करने की कोशिश करता हूँ जितना मैंने पिछली फिल्म में काम किया। तो फ्रेडरिक भी मेरी मेहनत के हिसाब से कोई अलग फिल्म नहीं है, मैंने उतनी मेहनत लगाई है बाकी सब फिल्मों की तरह। और इस फिल्म में चूँकि सब नए लोग इन्वॉल्व हैं तो इसमें नए एनर्जीज़ हैं, नए सोच हैं, नए राइटर है, नया डायरेक्टर है, तो काफ़ी कुछ नया है इसमें। सो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब ये सब नए लोग एक साथ मिल के पिक्चर बनाइए तो अच्छा लगेगा आपको। ये सभी डायरेक्टर लोगों का इंटरव्यू देख लो आप, यही बोलते हैं वो, हर सारे डायरेक्टर यही बोलते हैं। तो मुझे खुशी है कि ये डायरेक्टर भी यही बात कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं एकदम सही राह पे हूँ। और जो भी डायरेक्टर ऐसे बात करते रहें, मैं तो यही चाहूँगा कि जिनके साथ भी काम करूँ वो यही बोलें। तो आई एम थैंकफुल कि राजेश को भी ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं अभी अगला डायरेक्टर क्या बोलता है। जी, इसमें 2-3 गाने हैं जो मेरे बिल्कुल ही दिल के करीब हैं, और एक तो वक्त गया थम करके गाना है, और एक गाना उन लोगों ने कहा है कि वो मुझ पे भी रखा है उन लोगों ने, जिसका नाम है खुदा तूने छीना मुझको करके, तो केके ने गाया है। और केके ने मेरी पहली फिल्म छल में भी उन्होंने गाया है बहुत सारे गाने, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि वापस केके के साथ मैं नज़र आऊँगा इस फिल्म में। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गाने जो हैं इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत मेलोडियस हैं और सुनने के बाद आपको भी गुनगुनाने का दिल करेगा, यू नो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप गाने को गुनगुना सकें तो वही गाना गाना होता है, वही गाना हिट होता है। मेरे जितने भी सीक्वेंसेस हुए हैं वो बेसिकली इंडोर सीक्वेंसेस रहे हैं, तो जितनी तकलीफ़ें हमारी यूनिट ने झेली हैं ये फिल्म शूट करने के लिए, तो किस्मत से मुझे वो सब झेलना नहीं पड़ा। तो जो भी मैंने शूट किया सब इंडोर रहे हैं, तो लेकिन जो डायरेक्टर हैं वो उनके पास काफ़ी सारे किस्से हैं जो जहाँ पे उनका कैमरा बंद हो गया था, उनको बर्फ़ की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो आपसे ज़्यादा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, First of all, I am Sanjoy. Have done the music. Privileged to have worked with some amazing brains. Very out of the box ideas. Never believed in what is going, like the trend, and they always believed in creating a new trend. That is cinema, factual. And story with always Rajesh ji, the director of the film. I feel I am very fortunate and that I could work with somebody who always believed in music that carries the soul. So that actually made me come up with something actually which I always wanted to. I have done films like Club Dancer and well. Every film matter, but with so far the music of Frederick is concerned, I can't blow my own trumpet, but you have to listen to the tracks. It's worth listening. It's actually after a long time, I would say the CDs will be worth buying, because that era is gone when people just used to download and see the songs and just okay, forget it. But these tracks will somehow hammer you, and for this the credit, I can't take the entire credit. If you like it, I must share the credit with my team, Ryan, Victor, my music assistant, Rajesh sir, Manish, Swami, everybody mattered very much, and today is the day when it is getting launched. I don't have much to say, anything more than that. Just listen to the songs and feel them. Sir, गानों के बारे में बात करो तो कितने गाने हैं इस फिल्म में और कुछ उसके बारे में बताइए, क्या romantic है? You see, there are some romantic tracks. There is one romantic track, and basically the sad side of romance, the happier side of romance. The वक्त गया थम is a sad romantic track, and the romantic track वक्त गया थम, the other version. Which is a duet, which is very, very rare, you know, today's time, a duet song happening that way. So, and then Khuda Ture, a very different ideation. So there are all kind of, there's a square meal, you know, you'll get all kind of tracks, all kind of, there's a club track, Ranginia, superbly, I mean, like, choreographed and well, so, I mean, Anna, Ado. So everything is, it's a very beautiful package, very beautiful package. Thank you. And I don't have really much to say. I am promoting the music of Frederick, and that's why we're here. We're going to witness some fantastic songs right now. All I can say is I met the producers and director of Frederick A couple of months ago, I was introduced by me to a friend who happens to be the executive producer of the project here. And the first day we met, we all sort of hit it off together, and we decided that we were going to create a fantastic campaign to promote the film and the music of Frederick. I don't want to talk too much because the music and the product and the trailers will speak for themselves. But I would like to invite the director of the film. He's a first-time director and he's done an amazing job. Rajesh Bhutalia, right now on stage. And on behalf of Unwind Entertainment, I would like to invite Yeshi Puraya, who happens to be our director in Unwind Entertainment on stage. Unfortunately, the producer of the film, Manish is not in the country, but his brother Tarun is here. But we will call him up on stage a little later. Right now, I just want Rajesh to tell us a little more about the film, or a lot more about the film, before you get to see the songs and the trailer. So I'm handing over the mic to Rajesh Bhutalia. Thank you. नाउ डीवी खोला उसकी जितनी बात तो मार दी। ये पहली फिल्म है फेडरिक। हमने ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसके बारे में क्योंकि हर जगह सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है। नाउ डीवी कम कोशिश की है कि एकदम नया फिल्म लेके आओ और 100% नई फिल्म लेके आओ। इसके बारे मार दी। फिल्म के बारे में 100%। तो हम सबको थोड़ा बहुत जानना है। Why Frederick? Why the title Frederick? तो आप कह सकते हैं वो फिल्म में है या नहीं है, ये भी एक सस्पेंस है। You gotta watch the film on the 29th of April to know. Fredरिक नाम है, शायद नहीं भी हो, शायद हो भी, नहीं हो सकता। वही पूरी फिल्म में फ्रेडरिक उसकी सर्च चल रही है। एक हीरो है हमारी फिल्म का। थोड़ी सी लाइन बताऊंगा इस फिल्म की, थोड़ी एक्चुअली। तो बच्चों की कहानी शुरू होती है फिल्म। बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है जो बच्चा और उनके फादर की ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ और लाइफ देता है। एक समय कुछ दुर्घटना घटती है उस बच्चे की मौत गुस्से में जोश में आके लड़का पे बातें बहुत सी रुक जाती है। अब तक एक वॉइस ओवर है कि आज की दुर्घटना नहीं घटी होगी तो आने वाले वक्त की कई दुर्घटनाएं चल जाएंगी। उन्हीं दुर्घटनाओं के अंतिम खड़े आपसे 19 years कैरेक्टर दुर्घटना में मर चुका है पहले ही और बाद में फ्रेडरिक एक कैरेक्टर चले जा रहा है फिल्म में। हीरो जिसकी सिस्टर का निर्णय होता है जो सस्पेंडेड है आईबी से और वो कानून तोड़ के मसूरी जाता है अपनी बहन को बचाने के लिए और वो प्लान होता है उसकी वाइफ का फिर उसे रेस्क्यू करें और सीधे मसूरी जाने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे फिल्म में। 2 घंटे तक ये फिल्म आपको बांध के जरूर रखेगी। I have not done anything very big creative, but I have seen the development of the single film, and we really day and night we have not seen, and so much dedication and hard work I have seen. Such a smiling face that has been the relationship. And to join them, I would like to invite the music director Sunjoy. Unwind. Unwind, are you around? Right now, oh, there he is. A huge round of applause for Unwind. And the lyricist Rajesh Bhutalia, the director and the lyricist. Huge round of applause once again for him. Sarevi Varma. Come on, even she deserves a loud round of applause. And the singers of the film are Shan, KK, Sarevi, Ryan, Victor, Remy Dhar and Dipali Sate. A huge round of applause for the entire cast and crew of the movie Frederick. And the man who gets younger by the day, huge round of applause once again, inviting him back on the stage, Suresh Thomas. And now's the moment we all have been waiting for, the unveiling. I'd like to invite Karol Kanaria on stage. He is actually the producer, representing the producer. Unfortunately, Manish is out of the country, but this is his younger brother who has business with him. Anubhav, okay, the DOP of the film, Anubhav. A huge round of applause for Anubhav. Thank you all so much for coming. इंडिया-पाकिस्तान मैच छोड़कर आप लोग सब यहाँ पर हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और thank you for so much of positive energies which is there in this whole room and really nice. It's all the love for you. Yeah, it's all the love for Frederick. And it's a great occasion to be here. And I'm feeling extremely excited about the fact that I'm also a small part in this film. And all my love to my co-actors and especially to Rajesh, who's the first one we all are extremely excited about. And I hope you guys like the trailers and the songs and whatever has been played to you. And so, yeah, that kind of summarizes most of the things that I want to say. Thank you all, thank you so much. I don't have much to say, but I'm really excited for this movie and I'm happy with all I hear. Thank you so much. Thank you. And Rajesh was already there. A huge round of applause, that's what I film का बहुत ही छोटा और प्यारा हिस्सा हो and I wish everybody the best. Thank you. Thank you so much. And Anna, what about you? What do you have to say? First of all, I want to... Actually, you know what? You can say that and you have to do a dance move for us because that's what we've seen you doing, alright? Oh my god. Yes, yes, yes. You have to do that. Anyway, guys, first of all, I really, really want to thank the entire team because it was such a pleasure working with talented people. And Rajeshji, you are super talented because to write this film, to direct this first film, it was an incredible experience working with you guys. The minute I met him on the meeting when he was telling me the story, I was so excited because it's a great thriller. So yes, 29th April, everyone should go watch the film. And I had great pleasure working with you guys. Thank you so much. Thank you so much, Anna. So we had a great experience. We got a lot to do the film, making the film, and I think I just hope that you guys do enjoy watching the film. Sure, they've already loved the trailer. Huge round of applause for Mayor and the film Frederick. So ladies and gentlemen, do not forget, block your dates, April 29th. And I'm sure it's going to be a thrilling experience. A huge round of applause once again. Thank you for being here and gracing us with your presence. It was really nice having you. Do not leave, we've got some salads and drinks for you. Enjoy the evening. Thank you so much.